नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीएसएससी सीजीएल 3 सचिवालय सहायक पीटी परीक्षा के तीनों पालियों का क्वेश्चन सोशल साइट पे वायरल था और बीएसएससी ने सिर्फ एक पाली की परीक्षा को रद्द किया है, जो कि 9 लाख स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफी है, अन्याय है। इसलिए सबों की मांग है, 9 लाख अभ्यर्थियों की एक सुर में मांग है कि तीनों शिफ्ट की परीक्षा को कैंसिल की जाए, यानी कि बाकी जो 2 शिफ्ट बच गया है उसको भी रद्द किया जाए और फिर से परीक्षा आयोजित करवाई जाए, जिसमें ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी दी जाए, क्वेश्चन बुकलेट दिया जाए, आंसर की जारी हो, जब रिजल्ट प्रकाशित हो तो कट ऑफ और सभी का मार्क्स जारी किया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर 4 जनवरी 2023 को सुबह 11 बजे से पटना कॉलेज से शांतिपूर्वक पैदल मार्च निकाला जाएगा। ये महाआंदोलन हो रहा है, इस महाआंदोलन में आप सभी निश्चित रूप से शामिल होइए, क्योंकि ये पूरे बिहार के हक और अधिकार की लड़ाई है। ये किसी एक की लड़ाई नहीं है, ये पूरे बिहार के हक और अधिकार की लड़ाई है। इसलिए आप सभी से हम ये आग्रह कर रहे हैं, जितने भी छात्र छात्राएं हैं, बुद्धिजीवी हैं, अभिभावक गण, सबों से आग्रह कर रहे हैं कि आप सभी इस महाआंदोलन में शामिल होइए और 4 जनवरी को 11 बजे पटना कॉलेज गेट पे पहुंचिए और वहां से हम लोग शांतिपूर्वक पैदल मार्च निकालेंगे। और जितने भी शिक्षक गण हैं उन सभी से आग्रह कर रहे हैं कि आप इस महाआंदोलन के समर्थन में कम से कम एक वीडियो जरूर बनाइए, क्योंकि ये किसी एक की लड़ाई नहीं है, ये पूरे बिहार की लड़ाई है, बिहार के वर्तमान और भविष्य की लड़ाई है। और इसी तरह अगर हम चुप रहे तो आगे की परीक्षाओं में भी इससे भी ज्यादा धांधली सेटिंग हो सकती है, तो इसलिए अब चुप नहीं रहा जा सकता। ये 9 लाख स्टूडेंट सिर्फ 9 लाख स्टूडेंट्स नहीं है, जो बीएसएससी सीजीएल 3 में 9 लाख अभ्यर्थी है वो सिर्फ 9 लाख अभ्यर्थी नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ इनका पूरा परिवार है। और ये संख्या अगर इनके पूरे परिवार को मिला दिया जाए तो ये संख्या 50 लाख को भी पार कर जाएगा, 50 लाख से भी ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए आप सभी से आग्रह कर रहे हैं कि आप चुप मत बैठिए, इस अन्याय के खिलाफ, इस अत्याचार के खिलाफ, इस शोषण के खिलाफ हुंकार भरिए और 4 जनवरी को सुबह 11 बजे तक, 10:30 से लेकर 11 के बीच में, यानी कि 11 बजे तक आप पटना कॉलेज गेट पे पहुंच जाइए, वहां से हम लोग शांतिपूर्वक पैदल मार्च निकालेंगे। और हम बीएसएससी से और सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि आप 9 लाख अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद कीजिए और इस परीक्षा को, यानी कि पूरी परीक्षा को रद्द कीजिए, जो दोनों पाली का अभी रद्द नहीं हुआ है उस दोनों पालियों को भी रद्द कीजिए, यानी कि पूरी परीक्षा को रद्द कीजिए और फिर से पारदर्शी तरीके से परीक्षा को आयोजित करवाइए। और बीएसएससी ने जो सबूत मांगा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सबूत भी दिया है, लेकिन बीएसएससी से हम कहना चाहते हैं कि आपको नहीं दिख रहा है क्या, सोशल साइट्स पे क्वेश्चन आपका वायरल है, परीक्षार्थियों को क्वेश्चन ले जाने के लिए आप नहीं दे रहे हैं, फिर भी सोशल साइट्स पे क्वेश्चन कहां से आ गया, तो आपको तो खुद देखना चाहिए, खुद संज्ञान लेना चाहिए। एक न्यूज चैनल पे, टीवी चैनल पे भी चलाया जा रहा है कि 24 तारीख की परीक्षा 10 बजे से थी और 9:10 पे ही क्वेश्चन बाहर आ गया था, तो और कितना सबूत चाहिए आपको। तो इसलिए आप 9 लाख अभ्यर्थियों के साथ न्याय कीजिए और इस पूरी परीक्षा को रद्द करते हुए पारदर्शी तरीके से पुनः परीक्षा आयोजित करवाइए। और आप तमाम छात्र छात्राओं से अपील कर रहे हैं कि आप 4 जनवरी को सुबह 11 बजे तक पटना कॉलेज गेट पे जरूर पहुंच जाइए, क्योंकि ये आपके हक और अधिकार की लड़ाई है, ये आपके आने वाले भविष्य की लड़ाई है। और ठंड भी बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप घर बैठे रहिएगा, प्रकृति भी हम लोगों की परीक्षा ले रही है, बीएसएससी और बिहार सरकार तो परीक्षा ले ही रही है, प्रकृति भी हम लोग की परीक्षा ले रही है। तो इस परीक्षा में हम सभी को डटे रहना होगा, हम सबों को इस परीक्षा में सफल होना है, तो इस परीक्षा को पहले देना पड़ेगा, यानी कि आंदोलन में आना पड़ेगा, 4 जनवरी को आपको आना पड़ेगा। ये मत समझिएगा कि हम घर बैठे रहते हैं, चलो कोई तो लड़ रहा है, तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए आप सभी घर से निकलिए और 4 जनवरी को 10:30 से 11 के बीच में आप पटना कॉलेज पहुंचिए, 11 बजे से हम लोग वहां से पैदल मार्च निकालेंगे। आप सभी छात्र छात्राओं से अंततः फिर अपील कर रहे हैं कि आप 4 जनवरी को 11 बजे तक पटना कॉलेज गेट पे पहुंच जाइए। धन्यवाद। जय हिंद।